अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असन है और आप देख रहे हैं फ्रेगरेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। मुझे कई व्यूअर्स ने पूछा है कि अगर हमने कोई फ्रेगरेंस परचेज़ करनी हो तो हम कैसे परचेज़ करें। उनको मैं बता दूँ कि अगर तो वो स्टोर आपके एरिया में नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, आप उस लिंक से ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट रमज़ान आ जाएगा। रमज़ान के अंदर मेरी कोशिश होगी कि, और बल्कि मुझे कई दोस्तों ने बल्कि मशवरा दिया है और मैंने कई लोगों को मैं महसूस भी किया है कि वो स्प्रे वाली फ्रेगरेंस को छोड़ कर ना अतर वाली फ्रेगरेंस के ऊपर ना प्रेफरेंस करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अतर की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और उसमें मेरी कोशिश होगी कि हम चीप रेंज को भी कवर अप करें और मिडिल रेंज को भी कवर अप करें, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अनबिलीवेबल प्राइसेस में हम। तो उसके लिए आपको चैनल लाइक भी करें, उसको वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। सब शेयर सब्सक्राइब तो इस वजह से करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, आपको वो मिस ना करें वीडियोस, और बड़ी मज़ेदार वीडियोस होंगी इंशाल्लाह ताला। और आज जिस पे हम रिव्यू बना रहे हैं वो है वाइट मस्क जे डॉट की उदय परफा है। 100 ml की बॉटल है। इसके जो टॉप नोट्स हैं लगाने के बाद जो फर्स्ट आपको फ्रेगरेंस मिलती है वो इसमें सिट्रसी नो फ्रेगरेंस आती है, फिर इसमें आती है स्पाइसेस और फ्लोरल से स्मेल आती है, और मिडिल में जो बेस नोट्स हैं वो इसमें आते हैं, वुडी से स्मेल आती है और वनीला टाइप की स्मेल आती है। स्टार्टिंग में जो मैंने इसको महसूस किया है वो इसके अंदर लेमन आता है, उसके बाद इसमें मिंट की फ्रेश स्मेल आती है और ग्रीन एप्पल की फ्रेश एप्पल की भी आती है, लेकिन एप्पल ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल नहीं। ग्रीन एप्पल जो है वो ज़रा सिट्रसी सी स्मेल देता है और एप्पल जो है वो रेड एप्पल वो फ्रूटी सी स्मेल देता है। इसमें ग्रीन एप्पल है मिडल में, इसमें जेरेनियम है और स्पाइसेस हैं, गुलेसम दानी कहते हैं जेरेनियम को, और स्पाइसेस के लेकिन हल्का सा नोट आता है, लेकिन उसमें बड़ा लाइट सा स्वीट सा आता है। और इसके जो बेस नोट्स हैं उसमें इसमें वनीला आती है और वुडी नोट्स आते हैं। फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है ये वाली जे डॉट की, कमाल चीज़ बनाई है इन्होंने, अपीलिंग फ्रेगरेंस है। मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल किया है और दूसरों को भी लगाई है, तो जिसको भी लगाई है और जिसने भी मेरे से इसको स्मेल किया है सब ने तारीफ़ की है इसकी। बहुत अच्छी चीज़ है, फ्रेश है, स्वीट है और रिलैक्सिंग है, डिस्टर्ब करने वाली नहीं है। लास्टिंग इसकी मैंने आउटडोर में भी चेक किया और इंडोर में भी चेक किया है। जो इंडोर की लास्टिंग और क्लाइमेट ठंडे क्लाइमेट की, यानी कि कोल्ड क्लाइमेट की जो इसकी है, पिछले दिनों बारिश जिस तरह हो रही थी मैंने उसमें भी चेक किया तो लास्टिंग इसकी बहुत अच्छी है। इंडोर में और क्लाइमेट अच्छे ज़रा मतलब ठंडे से मौसम के अंदर ये तकरीबन 7 से 10 घंटे तक की लास्टिंग दे देती है। प्रोजेक्शन उसमें इस तरह आती है कि 650 फिट का रेडियस कवर अप करती है, उसके बाद ड्राई डाउन होती 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 फिर आपको खुद महसूस होती रहती है। उसके बाद जो आउटडोर का काम है, जिस तरह आप गर्मी आ रही है गर्मी में बाहर आपका फील्ड का काम हो या बाहर निकल के आप इसको यूज़ करें, लगा के बाहर निकलें, तो फिर ये फेड आउट हो जाती है। फिर इसकी जो प्रोजेक्शन है वो 2 से 3 घंटे, हार्डली 4 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं जाती। बल्कि मेरे साथ आउटडोर में इस तरह हुआ था कि मेरे जो नेक पे और शोल्डर्स पे लगी हुई थी ना, उसमें ये था कि आउटडोर में ड्राई डाउन हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, वाइप आउट हो गई थी, और उसके बाद इसके जो मेरे अंदर कपड़ों पे लगी हुई थी ना, कपड़ों के अंदर बॉडी पे लगी हुई थी, वो फ्रेगरेंस कर रही थी, मतलब स्मेल दे रही थी, लेकिन वो भी सूंघने से पता लग रहा था, इतनी ज़्यादा नहीं थी। बकाया इंडोर में बहुत अच्छी प्रोजेक्शन है इसकी, बहुत अच्छी लास्टिंग है, ड्यूरेशन मतलब अच्छा, मतलब मज़ेदार है। और प्राइस इसकी थी 2400 रुपीज़। 2014 के अंदर जेडॉट ने इसको रिलीज़ किया था। तो ये थी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।